गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के बाद में किस तरह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो पोस्ट प्रेगनेंसी होती है उसके बाद में आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। और मेरे साथ हुआ था, खतरनाक डिप्रेशन में चली गई थी, कैसा हुआ क्या हुआ वो सब मैं आपके साथ वीडियो में बताऊँगी। तो जस्ट जब आपका लाइफ में ऐसा होता है कि आप इतना पेन बियर करते हो, फिर मेरा तो ऐसा हुआ था कि मेरे को नॉर्मल डिलीवरी का भी पेन था जो मैंने 10-12 घंटे झेला था खतरनाक, और ऑलरेडी 2 दिन से दर्द हो ही रहा था मेरे को, रात को कभी 1 घंटे 1.5 घंटे रहता ही था। तो वो जो 2 दिन दर्द सहन करके फिर भी आप नॉर्मल डिलीवरी ना हो पाई, फिर वो OT में लेके गए ऑपरेशन थिएटर रूम में। तो जो पहले वो नॉर्मल डिलीवरी में वो आपको लेके जाते हैं, तो वहाँ पे वो आपको पहले तो रूम में होते हो, फिर उसके बाद वो लेबर रूम में लेके जाते हैं। तो वो सब चीज़ें माइंड में इतना घूम रही थी किस तरह से चक्कर आ रहा था, वो बोल रहे थे पुश करो पुश करो, एंड लिटरली वो सब चीज़ें इतना घूम रही थी वो डॉक्टर एंड सारी नर्सें वगैरह। और उसके बाद में फिर OT में गए, OT में मेरा ऐसा था कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई किया गया था, तो उस सीजेरियन के लिए मुझे इमरजेंसी में डॉक्टर बुलाए गए थे, तो इसलिए उनका वेट कर रहे थे। एंड मैं वहाँ पे OT में भी मैं वहाँ पर प्रेशर दे रही थी कि बेबी नॉर्मल हो जाए, मैं बहुत कोशिश कर रही थी जब तक आधे घंटे तक जब तक वो लोग नहीं आए थे। एंड मेरे को वो सब चीज़ें ऐसी याद आती है ना, आपको इतना गंदा वाला डिप्रेशन हो जाता है क्या ही बोलूँ। तो मेरे साथ भी यही था कि बस वो सब चीज़ें जब मैं वापस आई तो मुझे वापस वो सब चीज़ें घूम रही थी दिमाग में, नींद ही नहीं आई थी। फिर अगले दिन मैं दोपहर में सोई थी और पूरी रात जागरण चला था मेरा, सुबह भी जागरण चला था, अगले दिन जाके दोपहर में सोई थी। रात को तो सो ही नहीं पाती थी, मुझे बहुत डर लगता था, हर चीज़ से घबराहट होती थी, खतरनाक वो चीज़ें दिमाग में। जैसे मैं घर भी लौट के आई तो वो भी 1 हफ्ते तक तो मेरे दिमाग में ऐसा खतरनाक 10 दिन तक तो चला ही था कि मुझे डर लगता था, मतलब वो चीज़ें जा ही नहीं रही थी, रोना आता था, बहुत रोना आता था। और इसमें आपको 3 दिन तक ऐसा था कि बच्चा भी मुझे उठा के देने पड़ रहा था, लाइक मैं खुद से वो बेबी को पिक भी नहीं कर पा रही थी, फिर पिल्लो पर रख के उसको फीड कराना पड़ रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया जिसकी वजह से मैं इस डिप्रेशन से निकली हूँ। मेरी मम्मी का भी मेरे को बहुत सपोर्ट रहा, पापा वगैरह आए, दीदी जी आए एंड सब लोग, भाई वगैरह सब लोग देख के गए बेबी को, एंड सब लोग बट सब अपने काम में थे। हस्बैंड फिर भी मेरे साथ में रुके थे 15-17 दिन, तो उनके सपोर्ट की वजह से ही मैं सबसे बाहर निकली हूँ। लेकिन वो जो 1 हफ्ते का टाइम था, फिर उसके बाद में भी मुझे लगा कि आज मैं वीडियो बना रही हूँ 1 महीने के बाद, पूरा 1 महीने तक भी मुझे आज भी डिप्रेशन हो जाता है, एकदम ऐसे अकेलापन फील होता है। और मैं मेरे बच्चे को लेके ऐसा होता है कि उसको संभाल रही होती, उसको केयर कर रही होती, उसको हंसाना, उसे खिलाना और उसके बाद में उसको ध्यान रखना, केयर करना। मम्मी सपोर्ट करती है, ऐसा है बस। और हस्बैंड का ऐसा कि वो महीने में एक बार आ जाते हैं, मैं ले लेते हैं, और क्योंकि वो बाहर रहते हैं, मैं अलग स्टेट में हूँ और ये अलग स्टेट में है, प्रॉब्लम इसलिए यहाँ पर मेरा बेबी जग चुका है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो सो बेबी को जस्ट अभी सोया है, तो यहाँ पर बस मैं मम्मी को देख आई हूँ ताकि वो देखें, और यहाँ पर मैं वॉइस ओवर करने वापस आ गई हूँ। ऐसा ही चलता है कि आप क्या मैनेज करना होता है, दिन में मम्मी की हेल्प मिल जाती है, रात को उनको खुद की तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो मुझे और भी प्रॉब्लम होती थी। तो मेरा फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, क्या बोलूँ, मेरा ये पूरा महीना ऐसा हस्बैंड थे फिर भी ऐसा डिप्रेशन होता था कि मतलब आपको हैप्पीनेस है, यू आर हैप्पी कि आपको भगवान ने इतना प्यारा बच्चा दिया है, बट आप कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा होता है, आपकी पूरी बॉडी चली जाती है, आपकी बॉडी में इतने सारे स्टिचेज होते हैं और आपको पता है 7 लेयर कट जाती है, उसके बाद में बेबी आता है, ये सी सेक्शन होता है, सीजेरियन बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और वो सब चीज़ें आपके दिमाग में इतना घूमती है आप सोच भी नहीं सकते हो। एंड उसके बाद में भी मतलब आपका किसी से बात कर, मैंने 20 दिन तक फ़ोन भी ऐसा था कि मैं बात नहीं करती थी, मैंने सब कुछ पहले ही सेट करके रख दिया था, भगवान जाने क्या था, लेकिन मैंने 2 महीने के वीडियो पहले ही बना लिए थे, एक 1.5 महीने के वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड करके विद डेट के साथ रख दिए थे, और बस वही अपलोड किया था मैंने 1 महीने तक। 1 महीने बाद थोड़ा बहुत रिकवर हुई हूँ, तो अब चीज़ें सेट करने लगी हूँ, और देखो वीडियोस कम आएंगे मेरे क्योंकि मुझे सब कुछ अकेले मैनेज करना है इस वजह से, और हस्बैंड भी कभी आते हैं बीच में, तो बस वही है कि वो 2-3 दिन में चले जाते हैं, तो फिर जो भी है मैनेज मुझे खुद ही से खुद को करना पड़ेगा। यहाँ पर बस यही है कि आप खुद को कैसे संभाल पाते हो, कैसे सिचुएशन है, एंड जो डिप्रेशन होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है, आपको सुसाइड तक के ख्याल आ जाते हैं, बट डिप्रेशन बहुत ख़राब चीज़ है, उससे निकलो, और वो आपको निकाल सकते हैं सिर्फ आपके फैमिली मेम्बर्स ही है,
उनका सपोर्ट होगा तो। और मेरे साथ तो ऐसा होता कि फर्स्ट वीक में मेरी तबीयत सडनली वापस से मुझे एकदम से चक्कर और बेहोशी वापस आ गई थी, तो मुझे वापस से हॉस्पिटल लेके भागे थे। तो बस वो ये कि आपके दिमाग में इतना गंदा चल रहा होता है ना, आपको नींद, मैंने सच्ची 10 दिन तक तो मुझे ऐसे रात को नींद ही नहीं आती थी, और बच्चे को आपको फीड कराने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो फिर हस्बैंड गोद में देते थे, फिर धीरे धीरे ट्राई किया, मेरे बच्चे ने 1 वीक से अब तो उसने डब्बे वाला दूध पिया है। मुझे कभी कभी उसे देख के रोना आता था, यार मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पा रही हूँ। ऐसे बहुत सारे ख्याल आपके दिमाग में आ रहे होते हैं कि क्या मैं अच्छी बीवी हूँ, अच्छी माँ हूँ, अच्छी बेटी हूँ, एंड वो सब कुछ इतना घूम रहा होता है आपके दिमाग में। और क्या ही बोलूँ, वो सिचुएशन बहुत वर्स्ट होती है। और यदि आपके साथ फैमिली मेम्बर है तो आप धीरे धीरे करके निकल ही जाओगे, बट वही होता है कि आपको बस वो चीज़ें हैं, ऐसा होता है कि डिप्रेशन बहुत कहते हैं ना अच्छी चीज़ नहीं होती है, और बस आपके साथ में सब कुछ अच्छा होता है, आपको भगवान ने बेबी दिया होता है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हो और ठीक है जो भी हस्बैंड संभाल लेंगे, मैं ये है ये है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको उस टाइम इतना तोड़ देती हैं। आप बच्चे को फीड करा के बैठे होते हो तो फिर ऐसे सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और मैं क्या करती हूँ, पूरा सारा सामान रात को साइड में रख लेती हूँ, और फिर रात को अपने अकॉर्डिंग बेबी को जैसे होता है सब कुछ मैनेज करके, बच्चा दूध पीता है तो छोटे छोटे बिछौने ला के रख रखी है, चेंज कर देती हूँ, नैपी चेंज कर देती हूँ। नैपी मैं बहुत कम पहनाती हूँ, मैं पजामे वगैरह ही मैंने 10-12 रख लिए, रात भर चेंज कर दी रहती हूँ हर आधे पौन घंटे में ऐसा करके। और बस यहाँ पर मैं बेबी को खिलाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर, बट यही करके टाइम खिलाता, लेकिन जो कहते हैं ना जो पोस्ट प्रेगनेंसी जो डिप्रेशन होता है वो मुझे बहुत खतरनाक हुआ था, एंड मुझे अभी भी कभी कभी ऐसे अकेलापन फील होता है, बट मैं उससे बहुत 80% तक बाहर आ चुकी हूँ धीरे धीरे। बट वो ये कि हस्बैंड चले जाते हैं तो 15-20 दिन में ऐसा लगता है कि अब सब वापस से अब वो आ जाए थोड़ा अच्छा लगेगा, एंड बहुत मिस करती हूँ उस टाइम में, क्योंकि वो आपका सपोर्ट सिस्टम होते हैं और वो आपको तब आपको अच्छा लगता है। और जब वो आते हैं तो ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें होता है कि हैं मम्मी और हस्बैंड संभाल लेते हैं, इसलिए यहाँ पे सब कुछ ऐसा होता है कि आपको सब खुद को खुद से मैनेज करना होता है। तो बस बस 1 मंथ का मेरा ये बेबी है छोटे से, इसको मैं अकेले मैनेज करती हूँ और बस ऐसे करके। तो गाइस यही था कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, क्योंकि मेरे तो 1st-2nd मंथ तक तो मेरे को बिस्तर से उठने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, मतलब मुझे अभी भी प्रॉब्लम होती है। मेरा 1st मंथ कंप्लीट हो गया बट अभी भी मुझे जो स्टिचेज है उसमें पेन होता है, बेड से खड़े होने में बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है अभी भी मुझे। मैं डॉक्टर को 1 महीने का चेकअप कराने के लिए भी गई थी, तो वो सब चीज़ें मैनेज करनी होती है। बस ऐसे करके दिन निकल जाता है। दोपहर में बेबी को जैसे झूले में डाल दिया तो इसके मामा लेके आ गए थे झूला। तो बस सब कुछ आपको देखना होता है, आपको अकेले मैनेज करना होता है, क्योंकि आप माँ बने हो। देखो माँ बाप बनना आसान नहीं होता है, रात रात जागना पड़ता है, सबको ऐसे ही फेस करना पड़ता है। कुछ निकल जाते हैं, कुछ को टाइम लगता है, शायद मुझे टाइम लग रहा है इस वजह से। ऐसे करके दिन निकल रहे हैं, महीने निकल गया, अब मैं बाहर आ चुकी हूँ। तो बस यही था गाइज मेरा वीडियो, यदि अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।